तलिया का एम है बोल के हम लोग से बेहतर होने से नहीं होगा ना सिक्सटी एम का बीच में एक बेहतर एम एल बन के हमारा कॉन्टीट्यूंसी को डेवलप कीजिए ना लोकल एम का थ्रू आप पंद्रह साल एम बनने के बाद वहाँ पे नेटवर्क नहीं पहुँचा पाया आज सेंट्रल की तरफ से आया उसको आप झंडा उठा के घूमने से ठीक नहीं है तो जितना गवर्नमेंट एच है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है एक लेडी आया है हिम्मत लगा के कोशिश करेगा बोल के तो हम लोग कभी उनको एक मौका भी तो दे देना मैडम को सुने आप अच्छा लगे वोट करना नहीं करना दैट इज अप टू यू वो आपका पंचायत थे कोई पकड़ने वाला नहीं उसमें अगर विधायक बन जाएंगे 2024 में आप ये करके दिखाएंगे बोल के आप क्या उन लोग को प्रोमिस करना चाहते हैं मैडम जो है कौन सा पार्टी से आप चुनाव लड़ने वाला है बीजेपी कांग्रेस जेडीयू कौन सा पार्टी से मैम आप इस बार चुनाव लड़ने जा रहा है ऐसे क्या चीज जो रह गया आप जो जे पी एम है प्रजेंट जी एम में आप नहीं कर पाया लीडर क्या क्या चेंजेस लाना चाहिए हम लोगों में बहुत सा ऐसे है कि मतलब सी एच सी जो दीपंग पर रहा है Yeah, your so

गुनग से लोग सी प्रोग्राम सी एक्चुअली इसलिए है कि मैडम एमएलए कैंडिडेट है कल को एमएलए मिलता है तो उनका क्या सोच है स्टूडेंट उसको जानने देने के लिए एंड हम लोग का जो स्टूडेंट लोग कुछ राय है जो उन लोग का उम्मीद है एक्सपेक्टेशन है मैडम के साथ में तो हम उसको मेमोरेंडम बनाया है तो मैं मैडम को वेलकम करना चाहूँगा कि आप आके हम लोग का जो यूथ लोग सोच है उनको आप रिसीव करके कल को आप एम बनता है तो उसको जैसे भी आप देख दीजिए बोल के सी गुनू स्टूडेंट आदि कैपिटल सौदों ने स्टूडेंट आदि का जो सोच है एरिया को लेके कल को आप जब एम मिल जाता है तो ये सब चीज़ को आप कर देना है बोल के तो गौरी दाउद कर देगा सबसे पहले गुनू का स्टूडेंट आदि का जो सोच है यंग माइंड्स लोग का तो श्रीमती योतर कमना एस्पायरिंग के एम एल ए कैंडिडेट ट्वेंटी थर्ड तलिया एस टी असम्बली कंस्टिटुएंसी सब्जेक्ट फोर पॉइंट मेमोरेंडम दिस फोर पॉइंट मेमोरेंडम इज़ ऑन बिहाफ ऑफ द यूड ऑफ़ द ट्वेंटी थर्ड तलिया असेंबली कंस्टिटुंसी नंबर वन है हेल्थ सेक्टर को लेके हम लोगों में बहुत सा ऐसे है कि मतलब सी एच सी जो दिपंग पड़ा है जो सा कहीं ना कहीं ज़रूरत भी नहीं है तो ऐसा अलावा बंद करा के जहाँ में नीट से जो तालिया जो सर्कल है वह में जरूर जरूरी है तो उसमें बहुत सा इक्विपमेंट्स नहीं है तो वो सबको कल को आप बनता है तो जैसे भी करके इक्विपमेंट्स होने से वो सबको आपका तरफ से कर देना है बोल के ये में ऐसे दिया है हम लोग का और सेकेंड जो है टूरिज्म सेक्टर को लेकर टूरिज्म सेक्टर में ऐसा है कि बहुत पोटेंशियल है हम लोग आदमी कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है ये चीज़ को लेकर डेवलपमेंट को लेकर तो हम उम्मीद करता है कि मैडम आप जब एम मिल जाएगा तो टूरिज़्म सेक्टर को भी फील कर देगा बोल के जो दर्द है रोड कनेक्टिविटी ओपन रिवर टू हैज द मदर ऑफ ऑल डेवलपमेंट रोड कनेक्टिविटी एंड बेटर क्वालिटी ऑफ रोड विल भी सिग्निफिकेंट फॉर फर्दर इहसमेंट ऑफ तलिया हेज़ एंड अपलिप अपलिफ्टिंग एसेट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड बेटर मोबिलिटी फॉर द कॉमन पब्लिक और पोर्थ है एजुकेशन सेक्टर को लेकर जो बहुत सा सच में भी ऐसे स्कूल्स है जो जरूरी भी नहीं है हमारा तलिया में जो दिपंग पड़ा है तो उसको हम चोर के कंसेंट्रेट करने का जगह में जहाँ तलिया में हायर सेकेंडरी है कोटक में जो सेकेंडरी है उसमें जो जो कमियाँ हैं उनको आप पील कर देगा वो कम ये उम्मीद करता तो हम ये मेमोरेंडम को मैडम को सबमिट करते हैं बिहाफ ऑफ ऑल कैपिटल स्टूडेंट्स दोस्तों नमस्कार ए टी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों मैं आज आप सभी को बता दूँ आज तलिया का जो युवा लोग है वो आज यहाँ पे एक इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा गया जिनके साथ आप देख पा रहे होंगे हमारा साथ है योरतर मैडम जी है कमदा मैडम जी जो कि अभी प्रजेंट तो वो जदपीए में आप सब जानते होंगे और अभी वो एमएलए के तौर पे इस बार 2024 के चुनाव में आ रहे हैं दोस्तों आज तालिहा का जो युवा है क्या सोचते हैं वो एक लीडर से क्या चाहिए लीडर क्या क्या चेंजेस लाना चाहिए जो अभी जिन जिनके बारे में मैं बोल रहा हूँ ये मैम तो जैसे कि आप सभी को बता दिया जद पी में ऑर्डर लेकिन मैम से हम ये जानना चाहते हैं मैम सब आपका जो तले का युवा जानना चाहते हैं कि में दम जो है अगर ऐसे क्या चीज़ जो रह गया आप जो जद पी है प्रजन जद में आप नहीं कर पाया जो अभी आप एम के तौर पर आ रहा है उसके बाद एमएलए बनके बन के आप तलीह को कुछ चेंजेस वो भी आप कुछ सेगमेंट देख रहे थे अभी ज़िला बन के उसके बाद आप अभी पूरा तलीह कॉन्स्टिट्युएंसी को आप देखने जा रहे हैं अगर आप जीत जाएंगे तो ऐसे क्या चीज़ है मैडम आपको तलीह पूरे तलेह कॉन्स्टिटेंसी को बदलाव लाना चाहता है और आप करेंगे तलिया को आप जो हम जिला में है अभी जिला में जितना काम करना था अपना सेगमेंट को भी नहीं कर सकते इसलिए ज़िला में तो गवर्नमेंट से पान बहुत कम आता है वो एक दो लाख पान तो कुछ आगे ज़्यादा काम नहीं कर सकता है वो ये वस्ती वाला का थोड़ा मोड़ा अपना कुछ काम हो सकता है इसलिए एम में हमको यूथ लोग एम में देखना चाहता है उन लोग मालूम है मेरा आइडा को हम कैसा करना है तलिया को कैसे लाना है उन लोग को मालूम है मतलब मेरा ज़िला में जो हमको तो ज़िला बनाया है लेकिन ज़िला में नहीं कर सकने वाला को हम अभी दिल में सोचता है जिला में जो नहीं कर सकने वाला को एमएलए में कर सकता है एमएलए में हम लोग का चार जिला का ये में चार जिला का अंदर में एक एमएलए होता है हम लोग का एक एमएलए एक रिप्रेजेंटेटिव एक कॉन्स्टिटेंसी का बेचता है वो सब कुछ काम कर सकता है मतलब जिला में जिला का आवाज़ हम लोग का पंचायत का आवाज़ अपना डिस्ट्रिक्ट में रह जाता है अपना सर्कुल में रह जाता है और अपना डिस्ट्रिक्ट में रह जाता है उधर का आवाज़ एम एल का तरह तो से जाना चाहिए लेकिन इस बार मेरा अभी परिजन एम एल ए साथ हम रह के देखा है तो हम लोग का आवाज़ को गवर्नमेंट लेवल तक नहीं पहुँच पा रहा है इस कारण से हम अभी, अभी अपना अपना एम एल कॉन्टेस्ट करने से मेरा तलिया ट्वेंटी तो, थ्री तलिया कॉन्स्टिटेंसी का डेवलपमेंट एक्टिविटी को उसका दुख तकलीफ को हम गवर्नमेंट तक तो पहुंचा सकता है वो ये सपना लेके हम आया है डेवलपमेंट कुछ तो कर सकता है जिला में तो अभी बोलने में अभी तो बोल दिया जिला में डिस्ट्रिक्ट लेवल में होगा हम लोग का आवाज़ तो कोई इधर गवर्नमेंट लेवल ने नहीं पहुँच पाता है इसलिए हम एम के लिए अभी एम एल अभी हम लोग का सिटिंग एम का अगेंस्ट में कॉन्टेस्ट करके आ रहा है और हमको पब्लिक मेरा पंचायत का लोग प्रताप किया है इसलिए हम अभी महिला का रूप में हमको टिकट होगा बोल के हम आया इधर में एम एल कॉन्टेस्ट करने के लिए मैम सभी जानना चाहते हैं आपके कॉन्स्टिटेंसी के लोग जो है कि योरचर मैडम जो है कौन सा पार्टी से आप चुनाव लड़ने वाला है बीजेपी कांग्रेस जेडीयू कौन सा पार्टी से मैम आप इस बार चुनाव लड़ने जा रहा है हम तो अभी बीजेपी जिला है बीजेपी में ही लड़ना है हमको तो बीजेपी में हमको तो टिकेट वही है अभी मेरा रूलिंग गवर्नमेंट में मेरा पेमा जी का गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी सेंटर में नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट में हमको ओर एम अंगेजी का गवर्नमेंट में जैसे भी औरत लोग को भी लेके चलेगा महिला को भी लेके चलेगा महिला का तो कुछ तो दर्जा देगा यही उम्मीद करके हम अभी कंटेंडर बन के आए हैं मैम आपके पब्लिक आपके कॉन्स्टिट्यूंसी का पब्लिक को आप क्या अपील करना चाहते हैं आप क्या भरोसा देना चाहता है कि आप अगर विधायक बन जाएंगे 2024 में आप ये करके दिखाएंगे बोल के आप क्या उन लोग को प्रोमिस करना चाहते हैं उन लोग को हम प्रोमिस करना चाहते हैं माँ का रूप में हमको आप लोग सपोर्ट कीजिए इस बार बीजेपी टिकट देने से आप लोग सपोर्ट कीजिए हमको माँ का रूप में हम एरिया का डेवलपमेंट करेगा जैसे माँ अपना बच्चा को दोस्त बच्चा होने से भी माँ पाल सकता है ऐसे ऐसे जैसे हम जैसे भी मेरा चार जिला का सेगमेंट को हम ध्यान देके आगे डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए काम कर देगा मैम आपका तलिया का जो है चाहे सड़क का कनेक्टिविटी रोड कनेक्टिविटी बोलो उसके बाद बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है जो कि करना चाहिए आप हेल्थ सेक्टर में बोलिए सिक्योरिटी सेक्टर में बोलिए वुमेन एम्पावरमेंट आप एक खुद मैम एक वुमेन है तो उन सब चीज़ों के लिए आप क्या सोचते हैं मैम तलिया के लिए तो बहुत सोचता है तलिया अभी क्या बोलेगा तलिया तो बहुत दुनिया से खतब हो गया वो तलिया में अभी देखिए नेटवर्क नहीं है ये रास्ता ठीक नहीं है इसी कारण से हम लोग का तलिया से भी जितना है आदमी माइग्रेटों के हेडकोटर डापो में रह गया तो तलिया में तो अभी नाम तलिया है और ऑफिस भी शेयर सर्कुल नाम तलिया में और अभी पुलिस थाना में नामे तलिया में तलिया में तो कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रहा हमको मैम आखिरी में अभी आप क्या आपके लोगों को अपील करना चाहते हैं जो आपको अभी तक उन लोग जो है कंफ्यूज में होगा योरतर मैदम को हम साथ देंगे या किसी और को साथ देंगे ऐसे भी बहुत सारे सोच रहे होंगे तो आप उन सभी को आप क्या अपील करना चाहते हैं और जो अभी आपके साथ दे रहे हैं युवा बोलिए है, या जनरल पब्लिक बोलिए उन सभी को आप क्या अपील करना चाहेंगे मेरा तो ये पब्लिक को रिक्वेस्ट करना चाहता है हमको डेवलपमेंट करने देना है तो हमको एम एल का रूप बना दीजिए और हम पब्लिक के लिए काम करेगा एरिया डेवलपमेंट के लिए काम करेगा यही मेरा पब्लिक को अनुरोध है और यूथ को तो लेके हम चलेगा यूथ का बिना काम एरिया डेवलपमेंट कभी नहीं होगा यूथ को तो लेके हम चलेगा डेवलपमेंट एक्टिविटी में दोस्तों आज यहाँ का जो इंटरेक्शन प्रोग्राम का जो ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन है वो आज किस हिसाब से क्या मोतो रख के आज इन्होंने ऑर्गेनाइज किया इस प्रोग्राम को जो योरतर कमदा मैडम को जो बुलाया जो अभी इस वक्त आप सब जानते हैं कि एस्पायरिंग कैंडिडेट है एमएलए का 2024 के लिए तो यहाँ मेरा सामने डेविड लेयू जी है जो आज का इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन उनसे हम सीधे जानते हैं कि क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव होंगे आज आप लोग का इस प्रोग्राम का ये प्रोग्राम का बेसिक जो है जो इंटेंशन था ना ये प्रोग्राम को कराने का कि हम लोग को मोटो में क्लियरली दिखाई देता है यहाँ पे जो जिस इंटेंशन के साथ बनाया है कि द फील द गैप बिटवीन लीडर एंड द यंग माइंड्स ना जो हम लोगों के बीच में जो जनरेशन का गैपिंग है जो जनरेशन का गेपिंग है अभी का जो जनरेशन का लीडर्स लुक है वो हम लोग से थोड़ा आगे का है एज हम लोग का बीच में डिफरेंस है काफ़ी बीस साल पंद्रह साल पच्चीस साल का डिफरेंस है तो हम लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो जो है जो ग्रोथ के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है क्योंकि जब हम लोग कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता है, तो हम लोगों का सबसे मेन मुद्दा यही था कि हमारा लीडर को जो हमारा जनरेशन का वाला लोग समझो और उनको भी हम लोग समझे हमारा लीडर भी समझे उस बेसिस में हम लोग आगे ग्रो करना है बोल के ये हमारा इंटेंशन था ये इसको ऑर्गेनाइजिंग करने का ये मकसद एंड देन ये पर्टिकुलरली कोई कैंडिडेट का यहाँ पे जितना भी स्टूडेंट्स आया था यूथ लोग आया था ये जो है पार्टिकुलरली कमदा मैडम को सपोर्ट करने वाला है बोल के ऐसा कुछ इंटेंशन से आया नहीं बट देन हम लोगों का मेन इंटेंशन ये था कि कमदा मैडम को सुने आप अच्छा लगे वोट करना नहीं करना दैट इज़ अप टू यू वो आपका पंचायत रहे थे कोई पकड़ने वाला नहीं उसमें देविज जी आप आप लोग ने कमदा मैडम को तो बुलाया ज्योतर मैडम को बुलाया तो वो प्रेजेंट जेड पी एम भी हैं तो आप उनसे अभी जदपे में शायद उसका कंसिस्टेंसी में कुछ कुछ रह गया होगा वो नहीं कर पाया हाँ। तो आप वो कैसे मतलब विधायक बन के तो क्या क्या चेंजेस उनसे वो उनका लीडरशिप में देखना चाहते हैं आप क्या क्या उम्मीदें रखते हैं देखो सबसे पहले बात तो सीज फ्रॉम पाइंग सर्कल ना वो पाइंग सर्कल से है पाइंग में दो सेगमेंट चला जाता है तो तो पाइंग सर्कल का तो हम तो बोलते हैं कि एज अ बिंग ए लीडर आप सबसे पहले अपना घर को भी ध्यान देना है सबसे पहले सीधा सा बात है ना एक हमेशा एक जब भी आप कुछ भी चीज़ में आ जाओ एक मॉम मोमदेद को आगे रखते हैं अपने शिवलिंग्स को आगे रखता है इसलिए बोलता है कि आप सबसे पहले बात बनने के बाद अपना पाइंग सर्कल को डेडिकेट करना है सजना ब्रिज के थ्रू वहाँ से जहाँ से एक ब्रिज उन लोग को कनेक्ट करता है वहाँ से आज का डेट में अभी उनका वो ब्रिज नहीं बनता है तो उनका तरफ रास्ता बनने के लिए भी प्रॉब्लम है क्योंकि एक पॉकलेन पार नहीं कर पाता है तो क्योंकि इतना टन नहीं ले पाता है। क्योंकि बहुत पुराना ब्रिज है उसको अभी रिपेयर का समय आ गया कंक्रीट ब्रिज बनने का समय आ गया वो सबसे पहले बनना है उसके बाद हमको लगता है कि वो एक दौर होगा डेवलपमेंट का सबसे बड़ा बर... बिगेस्ट दौर होगा जो उसके बाद वो लोग डेवलपमेंट को लेके क्योंकि रोड इज़ द मेन ना रोड नहीं होगा तो डेवलपमेंट भी आएगा सजना ब्रिज इज़ द मेन एंड देन पाइंग सर्किल में एक पॉलीटेक्निक कॉलेज है एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है वो पॉलिटेक्निक कॉलेज को कंप्लीट जैसे भी कंप्लीशन कराना है वंस एक बार वो पॉलिटेक्निक कॉलेज बन जाता है तो ऑफकोर्स जानने का बात है जहाँ इंस्टीट्यूट आता है जहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट आता है वो अच्छा से डेवलप हो ही जाता है क्योंकि उसका उधर स्टूडेंट्स आता है वहाँ का जो जो पर्टिकुलर एरिया से है वो लोग का रिसोर्स बन जाता है वहाँ से तो वो एक बात है वो जहाँ से बिलोंग करते हैं एंड देन जैसे हमारी बात आई एम फ्रॉम जारिंग सर्कल हम जब तल तलिया सर्कल की बात करते हैं हम लोग जो है एक सेगमेंट में आ जाता है तो हमारा सेगमेंट का जब बारे में बात करते हैं तो हमारा वहाँ एक नवोदय स्कूल था वो नवोदय स्कूल के समय में जो प्रजेंटन एम एल ए प्रजेंट एम एल है वो द, 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 दस साल पहले दस साल पहले जब वो प्रजेंट एम एल था उस समय में वो स्कूल जो है कमले पे है मतलब हमको उसका लैक ऑफ लीडरशिप का उसको दिखाई देता है हम लोग चाहता है कि ये बार एक ऐसा स्कूल आओ सेंट्रल स्कूल आओ लाइक नवोदय स्कूल आओ सेंट्रल केंद्रीय विद्यालय आओ बीके भी आओ रामाकृष्णा लेके आओ जो भी आओ एक इंस्टीट्यूट आना है मिशनरी से बात करो डोनेशन लेन डोनेशन और उसके बाद जो है पब्लिक को मतलब उसमें पब्लिक को वो एलिगेशन मत दो कि हमको जमीन नहीं देता है क्योंकि देखो सीधा सा बात है लीडर आता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर आपको प्रॉब्लम पब्लिक का जो प्रॉब्लम्स है ग्रोथ को नहीं बढ़ा पा रहा है तो वो तो जानने का बात है आपका लैक ऑफ लीडरशिप है तो आप ये नहीं बोल सकते कि जमीन पब्लिक नहीं देता है गवर्नमेंट पब्लिक नहीं दे गवर्नमेंट लैंड नहीं देता है पब्लिक लैंड नहीं देता है ये सब तो मतलब वो आपका लैक ऑफ लीडरशिप ये बताता है ना इसीलिए हम लोग का तो सबसे पहले बात सबसे पहले बात स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है जितना गवर्नमेंट एच है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है क्वार्टर्स ठीक नहीं है कोई रहना नहीं चाहता है वो जहाँ भी जाओ जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स है ये ये जो हम लोगों को जो जो प्रॉब्लम्स है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में भी है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे कंस्टिट्यूंसी में भी है वो जगह को हर जगह जाके देखे वो अंदर डेवलप ही मिलेगा वो उसमें से हम लोग भी एक है उसमें से हम लोग भी क्योंकि आप टीचर आप एक ह्यूमन नेचर है ना आप आज का डेट में ट्वेंटी सेंचुरी में आर्मी भी रहना नहीं चाहता है जहाँ नेटवर्क नहीं है तो इसी बोल रहे हैं कि हम लोगों वहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है अभी जस्ट रिसेंटली अभी पहुँचा है वो भी सेंट्रल स्कीम्स के थ्रू सेंट्रल का आपको पता ही होगा आप मीडिया से पूरा कनेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं बट देन एक लोकल एमएलए एल का थ्रू आप पंद्रह साल एम एल ए बनने के बाद वहाँ पर नेटवर्क नहीं पहुँचा पाया आज सेंट्रल की तरफ से आया उसको आप झंडा उठा के घूमने से ठीक नहीं है तो वो डेवलपमेंट तो सेंट्रल का हो एवरी वन नोस ना आज का डेट में ऐसा कोई नहीं है कि पढ़ा लिखा नहीं है ना कुछ लोग तो पढ़े लिखे होते हैं लेकिन दे आर नॉट एजुकेटेड लिटरेट है सिर्फ लेकिन हम लोग उसमें से नहीं है ना हम लोग जानते हैं सब कुछ क्या हो रहा है स्कीम्स कैसे करके आता है कैसे नहीं आता है तो इसीलिए हम लोग तो चाहता है कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो हम लोग आगे बढ़े सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम भी मैंने यही स्टेटमेंट दिया था कि हम लोगों को एक अच्छा स्कूल चाहिए जब एक अच्छा स्कूल बनता है आप शेरगाँव जाके देखिए शेरगांव में हर एक घर में आपको एक ऑफिसर मिलेगा क्योंकि दैट इज़ द डेवलपमेंट उसको हम एक डेवलपमेंट मतलब जो है कहीं ना कहीं डेविड ले जी है योटर मैडम को ऑलरेडी मतलब साथ दे रहे हैं यस ऑफ कोर्स हम हंड्रेड परसेंट साथ दे रहे। तो आपको आपको लगता है जो योटल मैडम अगर जिला ये एम एल ए बन जाएंगे तो वो आप जो जो बात किया है जो जो कमियां हैं उनके अंदर में वो लीडर बन जाएंगे तो कर पाएंगे आपको लगता है ऑफ कोर्स लगता है अगर नहीं लगता नहीं कर पाता है अगर कल को नहीं करता है हम उनको भी अंगेंस्ट करेंगे उसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बद दिन अभी ये कभी एमएलए रहा नहीं है हम इसको क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हैं डाउट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि पंद्रह साल जो अभी जो प्रेजेंट एम एल ए वर्ष फिफ्टीन ईयर्स रूलिंग आवर कंस्टिट्यूंसी अभी तो हम उनका सब कुछ को देख चुका है ना अभी हम डाउट कर सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं लेकिन जैसे कोई भी एक लड़का हो लड़की हो रिलेशनशिप में आता है फर्स्ट रिलेशनशिप में आने के बाद क्या बोलता है अच्छा ही रहता है ना उसके बाद जब देख लेता है समझ जाता है तो अलग भी हो जाता है दैट इज़ द थिंग ना कि अगर हमने एम को परखा ही नहीं है कोई कैंडिडेट को परखा ही नहीं है कभी पावर दिया नहीं है हम उससे डाउट कैसे करें लेकिन जो उनका प्रेजेंट जो एम है वो पंद्रह साल से है अब इसको मिला के उसका बीस साल रन हो रहा है तो आप सोच के देखिए हम जैसे बोला थे उसका जो है जो टेनोरशिप है वो हम यहां काफी लोग यहाँ पे काफ़ी लोग आए थे होंगे कॉलेज स्टूडेंट्स लोग उनसे भी उम्र बढ़ा है तो ये है हम लोग का प्रॉब्लम तो हम हम लोग हम लोगों को, को और ट्रस्ट नहीं है और हम लोग नया लीडर चाहिए नया डेवलपमेंट चाहिए मतलब एक अप्रोच लेवल को हम लोग चेंज करना चाहता है डेवलपमेंट का अप्रोच लेवल को आप तलिया का तलिया का एमएलए है बोल के हम लोग से बेहतर होने से नहीं होगा ना सिक्सटी एमएलए का बीच में एक बेहतर एमएलए बनके बन के हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप कीजिए ना तभी हम मानेंगे कि आप सबसे सब बेटर लीडर है नहीं तो अदरवाइज हमसे अच्छा बोल लेता है ये फ़र्क नहीं पड़ता है ना आप असेंबली में आपको भेजा है लेजिस्लेचर बनाया है उसमें सबसे अच्छा बोलिए बोलने का बोलना तो बात सही है लेकिन डेवलपमेंट भी सबसे बेहतर लेके आई है ना एक एक जैसे आप जीरो को पकड़ लीजिए नमसाई को पकड़ लीजिए दे आर मतलब एक क्लासिक वे में वो लोग डेवलप कर रहे हैं लेकिन हम लोग जो चाहते हैं कि हम लोग भी जलस करते हैं ना अच्छा है अरुणाचल डेवलप हो रहा है लेकिन हम भी तो उसमें से एक पार्ट है हम भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ हमारा रिप्रेजेंटेटिव भी वहीं है और उनका रिप्रेजेंटेटिव भी वहीं है तो हम लोग में क्यों पीछे रह रहा है तो हम लोग एम चेंज करना चाहते हैं और हम लोग जो है असम्बली में एक बेहतर लीडर भेजना चाहते हैं नॉट ओनली टॉकेटिव हो उससे ज़्यादा डेवलपमेंट के बारे में विजनरी हो वो चाहते हैं हम लोग तो आप अगर आपके हिसाब से आपका जो आप तो एक युवा है पढ़ा लिखा युवा है और आपके गांव में जो माता पिता है आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में जो माता पिता हैं आप उनसे क्या अपील करना चाहिए आप हाँ आप योथर मैडम को आप सब सभी साथ दीजिए बोल के आप क्या बोलना चाहेंगे देखो हम लोग तो हम तो वही बोलेगा कि आप क्यों देखो हम लोग स्पेशली इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब हम लोग मैनिफेस्टो भी बना के फ़ायदा नहीं है मैनिफेस्टो चलता फिरता घूमता है हम लोग सबका इंडिविजुअल मैनिफेस्टो से तो तो वो भी एक हद तक रखा हुआ है अभी इसका ये चलता फिरता मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा मुस्लिम कौन है ऑफकोर्स ट्वेंटी ईयर्स राज करने वाला फिफ्टीन ईयर्स राज करने वाला बिकॉज डेवलपमेंट दिया ही नहीं है कुछ हुआ ही नहीं तो आदमी भी सोचता है कि बना के भी फायदा नहीं है किसी को भी करके फायदा नहीं है उससे बेहतर है कि इंडिविजुअल मैनिफेस्टो लेके घूमो हमको ये दो आपका वोट कर देगा दैट इज़ द थिंग हम लोग वही बोल रहे हैं कि अभी इस बार जब नया कोई आया है जब नया चेहरा आया है एक एक लेडी आया है हिम्मत लगा के कोशिश करेगा बोल के तो हम लोग कभी उनको एक मौका भी तो दे देना है क्या पता हम लोग बहुत आगे जाएं क्या पता हम लोग गड्ढा में घुस जाए लेकिन जो गड्ढा से है हम लोग को पता है कि वही गड्ढा है जहाँ से हम लोग जहाँ पे है पहले से और खोदना कभी तो ज़रूरी नहीं है ना तो चेंज करके देख लेते हैं हम लोग भी वही है बात